జాతీయ రాజకీయాలపై దృష్టి సారించిన సీఎం కేసీఆర్ ఇవాళ జార్ఖండ్ ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ సోరెన్ తో సమావేశమయ్యారు. ఢిల్లీ నుంచి ఉదయం రాంచీ వెళ్లిన సీఎం కేసీఆర్ జార్ఖండ్ సీఎం తో కలిసి ఆయన అధికారిక నివాసంలో 10 లక్షల చెక్కులను ఇద్దరు అమర జవాన్ల కుటుంబాలకు అందజేశారు. అనంతరం హేమంత్ సోరెన్ తో జాతీయ రాజకీయాలపై చర్చించారు. దేశాన్ని సరైన దిశలో తీసుకువెళ్లేందుకు చర్చలు మొదలయ్యాయని, హేమంత్ సోరెన్ తో జాతీయ రాజకీయాలపై చర్చించామని కేసీఆర్ అన్నారు. స్వాతంత్రం వచ్చి 7 దశాబ్దాలు గడుస్తున్నా సరైన అభివృద్ది జరగలేదని, దేశంలో మరింత మెరుగైన అభివృద్ది జరగాలన్నారు. దేశాభివృద్ది కోసం ఏ మార్గాన్ని అనుసరించాలనే దానిపై ఆలోచిస్తున్నామని, దేశంలో ప్రత్యామ్నాయంపై త్వరలోనే నిర్ణయం ఉంటుందని సీఎం కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు. गालवान वैली में जो सैनिक हमारे मारे गए थे, उस समय कुल मिलाकर के 20 सैनिक मारे गए थे. उसके नेतृत्व कर रहे थे हमारे कर्नल संतोष पर, वो तेलंगाना राज्य से था. तो उस समय में हमने उनका वहाँ मदद की है उनके फैमिली के लिए. तो उसी से हम समय में घोषणा किए थे कि तेलंगाना राज्य के ओर से उनके साथ जिन सैनिकों का मृत्यु हुई है उनके लिए गर्दन लगी पता है, तो उनके फैमिली के सम्मान में लेना चाह रहे हैं. तो ऐसे 6-7 राज्यों में, पंजाब में भी थे, दूसरे जगह भी थे, वहाँ चुनाव हो रहा था, चुनाव कोड भी है. तो मैंने हमारे भाई हेमंत जी से जब संपर्क किया तो उन्होंने आमंत्रण दिया कि आप दे दीजिए. वैसे मुझे वो एक उनको दे देना था, उन्होंने तक पहुंचाना था, जो भी सहायता करना चाहिए. उससे बड़ी बात तेलंगाना राज्य हासिल करने का जो आंदोलन हमने 2001 में शुरू किया था, हमारे पहले चीफ गेस्ट था श्री शिबू सोरेन जी, उन्होंने उस समय आके तेलंगाना जनता को काफी हिम्मत दी है और सारे आंदोलन में तेलंगाना राज्य बने तक हमारे साथ बने रहे. हर लिहाज में जब हम उस समय के सरकार से बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे, वो तेलंगाना की तरफ से लड़ रहे थे. तो उनको भी मुझे मिलना था, काफी दिनों उनके आशीर्वाद देना था. मुझे बहुत खुशी हुई मुख्यमंत्री जी ने मुझे उनका भी दर्शन प्राप्त करवाया, उनका आशीर्वाद ले लिया मैंने और वो भी खुश थे कि तेलंगाना राज्य बना और अच्छा तरक्की कर रहा है, तो वो भी बहुत खुश थे. ये भी बातें मुझे दोनों भी अच्छे सफल बातें हुई. अब जहां तक राजनीति की चर्चा है उसका भी चर्चा हुई, काफी बातें हो रही है देश भर में नेता लोगों से, कई लोग जब भी मिलते हैं तो बात कर रहे हैं. एक ही बात मैं कहना चाहूंगा कि 75 साल की आजादी के बाद जिसको जिस धर्म का डेवलपमेंट का हासिल होना चाहिए था वो नहीं हो पाया और कई चीजों में हम पिछड़े रह गए दुनिया की तुलना में. देखे जो हमारे से लगा हुआ चाइना का तरक्की हुआ, कई एशियन कंट्रीज तरक्की हुए और आज भी जिस सरकार से देश का सरकार चल रहा है उस ठीक ढंग से नहीं चल पा रहा है. उसको ठीक करने का प्रयास करने का हर इंडियन का फर्ज बनता है. उस पर भी हमारा चर्चा हुआ, लेकिन सारे देश भर में जब नेता लोगों से चर्चा हो रहा है तो भी मिल करके कुछ ही समय में हम लोग किसी जगह मिलेंगे. मिलने के बाद किस प्रकार का एजेंडा लिया जाए, किस प्रकार का काम शुरू किया जाए, इस देश को और अच्छे तरीके से एक नया उमंग से एक नया दिशा ले जाने का प्रयास किस प्रकार से किया जा सकता है, सब लोग मिल करके हम तय करेंगे. उसके बाद में विस्तार